गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज यहाँ पर कारपेंटर भैया आ गए थे और यहाँ पे वो डाल रहे हैं, यहाँ पर बिछा रहे हैं ये वाली मैट्रेसेस। एक्चुअली ये जब मैट्रेस ली थी ना, मतलब दोनों पे मैट्रेस जब ली थी ना, तब मैंने इसका जो वीडियो है वो मराठी चैनल पे अपलोड किया था मेरे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मैट्रेस है, फ्लो मैट्रेस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हो इसका जो कलर है ना, वो सेम टू सेम बच्चों के रूम के थीम से मैच होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ली थी। और ये बहुत ही अच्छी मैट्रेस है, मतलब क्वालिटी वाली है और बहुत ही अच्छी मैट्रेस है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर उसकी पॉलीथीन निकाल के वो बिछा के दे रहे हैं यहाँ पे, और बस डस्टिंग वगैरह हम लोग फिर रात को करेंगे सब लोग जाने के बाद। और आज सब क्लीनिंग वगैरह होगी पूरी, यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं डेंसिटी वगैरह ये सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मैट्रेस है। और बस यहाँ पर ये सब कुछ सेट हो जाने के बाद उनका बाकी का काम वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाकी का काम भी बाकी है उनका। जैसे कि ये जो है यहाँ पे ग्लास लगाना बाकी है, वो हैंडल लगा के मुझे दिखा रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे हैंडल लगेगा करके, तो यहाँ पर ग्लास लगेगा। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये जो ग्लास है हमारे खिड़की का ग्लास है, वो सिर्फ डेमो के लिए उन्होंने दिखाया था लगा के। और यहाँ पर हो गई है रूम रेडी। यहाँ पर ये स्टोरेज के लिए जो बनाया है मैंने टेबल, उसके ऊपर भी ये मिरर लग गया है, यहाँ पर हेडबोर्ड बन गया है, यहाँ पर ग्लास लग गया है। और कैसे लग रहा है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मेरे वीडियो रूम का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बट बहुत लास्ट हुई वो। कोई बात नहीं यार, बट हो तो गई है, अभी अच्छा लग रहा है। और भी क्लीन करना है इसे भी, और फिर अच्छे से सेट करना है, वो वीडियो आपके साथ शेयर जल्दी ही करूँगी। यहाँ पर बस स्टूल बनाने बाकी थे, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल के स्टूल होते हैं वो स्टूल बना रहे हैं भैया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मशीन हमारी ख़राब नहीं हुई थी, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि उषा की जन्म जो है वो मेरे पास है मशीन, तो वो ख़राब हो गई थी, तो इनको भैया को दिखाया हमने ये कुशन वाले भैया को, तो उनको थोड़ा सा आइडिया था, उन्होंने वो खोल के दे दी और अच्छे से करके भी दी थी, बट इतना अच्छे से नहीं हो पाया था। फिर हम लोगों ने वो शॉप में डाल दी बनाने के लिए। और यहाँ पर हो रहा है ये स्टूल का काम, जैसे कि स्टूल को फोमिंग वगैरह कर रहा है, तो ये स्टूल को फोम लगा रहा है, कपड़ा लगा रहा है, और बस वही काम चल रहा है। तो ये दोनों भी स्टूल रेडी है हमारे, मतलब मेरे और माही के रूम के। और आज जो ये फोम का काम है वो पूरा स्टूल के साथ ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा रेडी हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर स्टूल भी रेडी हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है, हेडबोर्ड भी रेडी हो गया है, सब कुछ अभी इनका काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ अभी कारपेंटर भैया का काम ही रहेगा। तो ये गए थे बाहर माही के बुक्स वगैरह लाने। बुक्स, अरे टेक्स्ट बुक्स, ये गर्मा गर्म जलेबी मम्मा की फरमाइश पे। हे गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो है मामा अर्थ का बेबी वाइप्स। तो इस वाइप्स की खासियत क्या है वो बता देती हूँ। ये इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक बम्बू बेस्ड वाइप्स है, और आप पैकेजिंग देख सकते हो, यहाँ से अगर आप इसे फ्लिप करके ओपन करते हो तो इसमें से वाइप्स निकलेंगे, और बहुत ज्यादा अच्छी पैकेजिंग दी है। और दूसरी बात यह है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके बाद 100% ऑर्गेनिक बम्बू क्लॉथ से बने हैं, और इसमें है कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा, जो आपकी बेबी के स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, बहुत ज़्यादा नरिश कर देता है। तो इसी वजह से आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी बेबी की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। अगर आपकी बेबी की स्किन पे कोई हार्श केमिकल यूज़ हो जाएंगे तो आपकी बेबी की स्किन खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है और रफ हो सकती है। तो इसी वजह से आपको ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो बेबी के लिए बने हैं, और वो भी ऑर्गेनिक है, मतलब केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो मामाअर्थ के जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, और ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से आपको इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। और इस एक पैक में आपको 72 वाइप्स मिल जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको आप डेली नहीं नहला सकते हो, मतलब बहुत बार ऐसा वेदर हो जाता है कि उस टाइम आप नहला नहीं पाते हो उन्हें, इस वाइप से आप अगर उनकी पूरी बॉडी वाइप कर देते हो तो आपको नहलाने जैसी फीलिंग आएगी, और उसको भी फ्रेश लगेगा। खाना खाने के बाद उनका मुंह पोछने के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो, इन वाइप्स को। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और पॉटी सुसु करते ही रहते हैं, उस टाइम भी वाइप करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए जो केमिकल फ्री होते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हो उस टाइम भी।
तो इसी वजह से आप ये वाइप्स ले सकते हो। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो कंचन 2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे मामाअर्थ की वेबसाइट पे। और ये जो प्रोडक्ट है वो मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फर्स्ट क्राई पे इजीली अवेलेबल है। गाइज एक और गुड न्यूज है, मामाअर्थ ने ये जो बम्बू बेस्ड वाइप्स है इसका जो 3 का कॉम्बो आता है वो लॉन्च किया है रिसेंटली ही, और वो बहुत ही कम प्राइस में है। तो इसी वजह से आपके लिए जो कूपन कोड मैंने दिया है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब जो कॉम्बो आप लेते हो मामाअर्थ की वेबसाइट पे उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से बाकी के प्रोडक्ट्स लेते हो तो उस पर अप्लाई हो जाएगा मेरा जो कूपन कोड है कंचन 2021, बिकॉज इस कॉम्बो का ऑलरेडी इतना कम प्राइस है इसीलिए। मामाअर्थ ने अपना रिसेंटली ही ऐप लॉन्च किया है तो उस पर आपको ये प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये है कि अगर मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट पे ऑफर चलते रहता है तो वो आपको मामाअर्थ की ऐप पे दिखाई देंगे। तो इसी वजह से मामाअर्थ का ऐप डाउनलोड करिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसे परचेस करना है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। हाँ, गुड जॉब। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हाथी तो हिंदी में बोलते हैं ना? हाथी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में? अरे उसे उसे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, तो गाइज मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी भी नहा लिया है मैंने। एक्चुअली सब कुछ हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, नीचे की क्लीनिंग हो गई है, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर की क्लीनिंग बाकी है। बट उससे पहले ना बहुत ही अजीब सा लग रहा था, इसी वजह से नहा लिया और अभी ऊपर चलती हूँ, ऊपर की क्लीनिंग करती हूँ, मतलब जो बेडरूम हो गई है अभी कंप्लीट उसे क्लीन करती हूँ, उसे अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा के सेट करती हूँ और उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे लग रही है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर एग्स लाए हैं तो आज फिर से एक करी बनने वाली है, मतलब एक करी की रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर की है तो इसी वजह से यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिए है। जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी मैं बाद में। और बस चलिए अभी ऊपर चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है वहाँ पे, मतलब माही अरविक को पढ़ा रही है कुछ। और यहाँ पर धनिया पत्ता और ये फ्लावर इन्होंने ला के रखा था तो ये भी मुझे अभी अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में रखना है। अभी फिर से इनका चल रहा है बिल चेक करना। हो गया सब जमा? हाँ, जमा, मतलब ये पहले से है ना, ये वाले ये पहले से पहले से जमा करके रखे है ना, ये जमा करके रखे, लेकिन दो जगह से माल आया ना। हाँ हाँ, बीच में हो गए ना, ये थोड़ा सा बराबर है। हाँ, तो हम लोग ना मतलब कुछ वहाँ पर नहीं मिल रहा है जहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले लाया, वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से ला रहे हैं। सब कुछ आपके साथ तो शेयर कर ही रहे हैं, दो जगह से ला रहे हैं तो इसी वजह से दो जगह के अभी बिल अलग अलग रखने हैं और फाइनल में टोटल निकालना है, मतलब लास्ट में टोटल निकालेंगे और फिर उसमें भैया का परसेंटेज भी जाएगा, कारपेंटर भैया का। और आप लोग पूछ रहे थे कि उनको कितने रूम के लिए, मतलब एक रूम के लिए कितने दिए हैं आपने, तो वैसा नहीं रहता है डियर, इन लोगों का परसेंटेज रहता है। जैसे कि अभी 1,00,000 का माल हो गया तो उसपे 30,000 इनका 30% इनका परसेंटेज रहता है। तो इसी वजह से मतलब कई जगह 25% है, कई जगह 35% है। अभी मुझे किसी ने कमेंट या मुझे इंस्टा पे पूछा था कि आपकी तरफ क्या रेट चल रहा है, तो मैंने बोला 30% नागपुर में ही, शायद यहाँ से पास ही है तो वहाँ पर 35% चल रहा है। तो हर जगह का ऐसे अलग अलग रेट होता है, जितनी बड़ी सिटी उतना रेट ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पे तो 30% चल रहा है अभी, इससे छोटी सिटी में जाओगे, गांव वगैरह में जाओगे तो 25% से ही आपको कारपेंटर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके अभी जितने का भी बिल होगा उसमें हमें उनको 30% देना पड़ेगा। बिल तो हम लोगों ने सारे कलेक्ट कर लिए हैं, अभी टोटल लास्ट में होगा, उनके सामने ही टोटल होगा, उनको भी पता है बिल और उनके पास भी रहता है तो उनके सामने टोटल होगा और उसके बाद उनका जो परसेंट है वो निकलेगा। और वैसे भी हफ्ते में उनको देना ही पड़ता है, बीच बीच में जैसे हफ्ते में उनको दे दिया, हफ्ते में उनको दे दिया और लास्ट में अभी कुछ बचा होगा उनका तो वो उनको लास्ट में देंगे जब इसका टोटल करेंगे, जितना भी बचा होगा उतना। चलो चलो, हाँ हाँ।
और दोनों के भी सेम है। ऊंचाई से डर लगता है। आप कहाँ जा रहे हो फिर? अरे बाप रे, चलो चलो सब लोग, आज सफाई अभियान है, सब लोग झाड़ू लेके, ये मेरा भी झाड़ू। चलो अभी गंदा नहीं करेंगे, खुद का। अरे ये लेके नहीं गए क्या वो? नहीं। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ बेडरूम में बच्चों के, और बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग करूँगी। एक्चुअली ऊपर ऊपर का करके देंगे, क्योंकि ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, और ये टेबल पे चढ़ के वो करके देंगे, और यहाँ पर मैं नीचे नीचे का माही के साथ, माही की हेल्प लेके नीचे नीचे का कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू मार लिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि अंदर कचरा होगा इसी वजह से, और थोड़े से कील वगैरह थे नीचे गिरे हुए, तो उसका वैक्यूम कर लिया था उसको हमने। और यहाँ पर देखो ये जो बेडशीट्स है वो दोनों के लिए सेम मंगाई है मैंने, कुछ तो भी लग गया था मुझे, सेम मंगाई है अमेज़ॉन से, और बहुत ही अच्छी मिली है मुझे। बट उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक बेडशीट के पिलो अलग है और एक बेडशीट का पिलो अलग है, तो मतलब पता नहीं कैसे प्रॉब्लम हो गया ये। बट हम लोगों ने चेक नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत एक महीना पहले शायद ये मंगा ली थी बेडशीट, तो मैंने सोचा आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसी वजह से मैंने उसी टाइम मंगा ली थी, क्योंकि मुझे मैचिंग की मिल गई थी बच्चों के रूम के थीम से, तो इसीलिए मैंने उसी टाइम मंगा ली, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही गया उसका। उस टाइम मैंने ओपन करके नहीं देखी थी, एक ओपन करके देखी और एक ओपन करके नहीं देखी, तो ऐसे प्रॉब्लम हो गया। फिर बाद में मैं मम्मी के घर पर चली गई थी, तो उसके बाद तो ओपन करना ही नहीं हुआ, अभी डायरेक्ट ओपन किया तो ये इस तरह से हमें दिखा। ये देखो इसकी पिलो वाइट है और उसकी पिलो ब्लू है, तो यहाँ पर इसकी पिलो जो देखो ये ब्लू है, तो बस यही प्रॉब्लम हो गया है। होता है यार, मतलब चल जाएगा उतना तो, अगर रिटर्न का होता पॉलिसी, मतलब रिटर्न कर पाते तो रिटर्न कर देते, बट एक महीने से ज़्यादा हो गया था ना, तो इसी वजह से रिटर्न भी नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही लगा दिया वो बेडशीट। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे, कंफर्टर के साथ है वो बेडशीट, और सिंगल सिंगल बेड के लिए मंगाई थी मैंने। और यहाँ पर बस ऊपर की क्लीनिंग कर लूँगी, वैसे वॉल पे भी थोड़ी सी बारीक सी धूल थी, तो वो भी हमने क्लीन कर ली, वॉल की भी धूल क्लीन कर ली, उसके बाद जो बटन्स थे स्विच बोर्ड वगैरह वो सब कुछ क्लीन कर लिया। उसके बाद ये देखो छोटे छोटे कील गिरे थे नीचे, तो सारा झाड़ू मार के उसको वैक्यूम करके पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया फिर रूम। और क्या बोलते हैं, विंडो वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी, और उसके बाद फर्नीचर पे भी, उस दिन उन्होंने क्लीन करके दिया था, उसके बाद भी काम चलाना, तो उसके बाद उस पर अच्छी खासी धूल बैठ गई थी। और यहाँ पर कर्टन्स भी लगवाने हैं, तो कर्टन्स बाद में लगवाएंगे, अभी पता नहीं कब लगवाएंगे ये तो नहीं पता, बट अभी की फ़िलहाल तो हो गया है ये सब कुछ कम्प्लीट। अभी आपको पूरे रूम का टूर देती हूँ, मतलब पूरा रूम दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। कैसे लग रही है बच्चों के रूम सेट होने के बाद, जरूर कमेंट करके बताइए मुझे, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। माही माही अब आपको कैसे लग रही है? बस शब्द ही नहीं बोलने के लिए। माही के पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। चलो अभी एक करी बना लेते हैं, मतलब एग्स को छील लिया है, उसके बाद करी में डाल देंगे, और अभी कर लेते हैं डिनर। तो मतलब सभी थक गए हैं, अब सभी ने काम किया तो इसी वजह से सभी लोग थक गए, और अद्विक ने भी काम किया है, अद्विक ने तो बहुत ज्यादा काम किया है। चलिए जल्दी से अभी क्या मैंने ना बहुत गंदा
हाँ वही बता रहे हैं हम लोग। अद्विक बहुत ज्यादा बीच बीच में कर रहा था, इसी वजह से हमारे काम रुक रहे थे इसकी वजह से। तो एक जगह पे हम लोगों ने इसे बिठा दिया और फिर सारे काम किए। तो अभी सारे काम फिनिश हो गए हैं और अभी करते हैं अच्छे से आराम से सुकून का डिनर। यहाँ पर करेंगे थोड़ी देर फैमिली टाइम स्पेंड। और ये देखो ठंड लग रही है क्या आपको? कपड़े निकाल लिए ना, इसी वजह से स्वेटर पहन लिया। जो अच्छा लगता है वो कौन से भी टाइम पहन ले। ना यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मूवी अभी। तो चलिए गाइस अभी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। और यहाँ पर बस हमारा यही टाइम होता है, यहाँ पर एक गद्दा डाल देते हैं हम लोग और बस लेट जाते हैं ऐसी, और कोई ना कोई मूवी देखते रहते हैं। तो बालकनी में बैठने जैसा फील होता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, मूवी देखते हैं, यही रूटीन होता है हमारा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक करने में आप बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो यार। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आएगा ना बाजू में, उसे दबाना मत भूलना, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलो फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। ध्यान रखना अपना।